देखें कि इंडो पाक में, इंग्लैंड में, लंदन में, हॉलीवुड में, आगे कहीं जापानी इंडस्ट्री में बड़े बड़े आर्टिस्ट पैदा हुए, बड़े बड़े नामवर पैदा हुए, जिन पे किताबें भी लिखी गई, जिन पे फिल्में भी बनी, और लोग उनसे मोहब्बत भी करते थे। जब वो इस दुनिया से चले गए तो उनको आज़ाद के साथ दफनाया भी गया, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी उसी तरह चलती रही। हर स्टूडियो उसी तरह आबाद रहा, इंडस्ट्री उसी तरह काम करती रही, लोग उसी तरह आबाद रहे। पूरे दुनिया की इंडस्ट्री में ये वाहिद हीरो था। जब ये दफन हुआ तो उसके साथ इंडस्ट्री दफन हो गई। और आप देखें कि 96 उनकी आखिरी फिल्म सखी बादशाह, वो भी मेरी फिल्म थी, पहली फिल्म जो थी वैशियत, वो भी मेरी थी। तो जिस वक्त वो गए हैं तो उसके बाद मेरे से पूछा था एक अखबार नवीस ने, सबसे राय ले रहे थे, मेरे से पूछा कि नासिरुद्दीन साहब आप बताएं, सुल्तान राय साहब चले गए, अब क्या होगा या आपके क्या तसरात हैं। मैंने कहा आप कहते हैं कि एक गोली चली और सुल्तान राय कत्ल हो गए, मैं ये कहता हूँ कि एक गोली से सुल्तान राय नहीं 18 आदमी कत्ल हुए। उसने कहा जी वो कैसे। मैंने कहा सुल्तान राय के साथ इलियास कश्मीरी, हुमायूं कुरैशी, मुस्तफ़ा कुरैशी भी कत्ल हो गए, आसिया कत्ल हो गई, अंजुमन कत्ल हो गई, या हिदायतकार यूनुस मलक कत्ल हो गया, मसूद भट्ट कत्ल हो गया, परवेज राना कत्ल हो गया, नासर अदीब कत्ल हो गया। तो उन्होंने कहा समझ नहीं आई। मैंने कहा आज आपको समझ नहीं आ रही, कुछ मुद्दत बाद आप पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के स्टूडियोज़ में ये चलती फिरती लाशें देखेंगे और ये बेकार होंगे।